हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर चलेंगे हमारे जो प्रीलिम्स की डिस्कशन है उसकी तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में, कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो वर्तमान में क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने की स्टेचुरी बॉडी है, दूसरा ऑप्शन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तीसरा ऑप्शन है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और चौथा ऑप्शन है कि रिकमेंडरी एक कमेटी है। तो देखो, इसके बारे में पता होना चाहिए और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लक्ष्मीकांत में भी खैर काफ़ी बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा अभी लास्ट ईयर इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी चल रही थी कि इसको एक्चुअली आपको पता है इसका दर्जा चेंज करने की बात वो चल रही थी। तो इसके बारे में जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो आया है पटाखों को लेके, कि देखो क्वेश्चन ये है कि पटाखों में हाल ही में प्रतिबंधित रसायनों के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, या पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिबंधित रसायनों में एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक और सीसा, ये पांच है। इसके साथ ही दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि शिवकाशी में अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग मतलब DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। चलो आप ये बताइए कि इसके साथ ही एक क्वेश्चन कि पटाखों को बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री वो रेगुलेट करती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत बेसिकली ये आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, पटाखे वगैरह हैं ये बेसिकली पेसो एक डिपार्टमेंट है जो कि आता है बेसिकली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसके द्वारा इनको रेगुलेट है वो किया जाता है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। तो ऑब्वियसली हम देखेंगे तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा साफ साफ गलत है वो हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है वो तो ऑब्वियसली कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ज्वलनशील पदार्थ जो भी होते हैं वो बेसिकली पैसों के अंदर आते हैं और ये रेगुलेट किए जाते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंट बताया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पटाखों में इन पांच तत्वों को या इन पांच एलिमेंट्स को बैन है वो किया गया। तो इनके नाम हमें पता होना चाहिए कि एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक और लेड, इनको बैन है वो किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा वो आया है बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन को लेके। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन गैस इतनी ठंडी होती है कि इसके संपर्क में आने वाले किसी जीवित व्यक्ति के ऊतक भी है जमा देती है, मतलब टिश्यूज हैं वो भी जमा देती है, कोई जिंदा इंसान हो उसके भी। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि FSSAI के दिशा निर्देशों के मुताबिक तरल नाइट्रोजन को जमे हुए भोजन के योजक के रूप में शामिल किया जा सकता है। देखो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, बट दूसरे स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -195.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल भी है, काफ़ी चिल्ड है वो होती है, और बेसिकली इसका यूज इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी भी चीज़ को तुरंत फ्रोज है वो करना हो या जल्दी से उसको जमाना वगैरह हो। बट इसमें एक फैक्ट ये ध्यान में रखना है, देखो ये फैक्ट बेसिकली FSSAI के द्वारा किया गया है कि जो ही इस गैस का यूज़ किया जाता है तभी इसके जो पदार्थ हैं जिस चीज़ को ठंडा किया गया उसका यूज़ नहीं कर सकता, जब भी गैस पूरी बाहर निकल जाती है उसके बाद उस भोजन का यूज है वो किया जा सकता है। और बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो एक रंगीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस, नहीं सॉरी ज्वलनशील गैस है वो नहीं है, रंगहीन है इसी के साथ ही गंधहीन है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में यहाँ पे रखनी है। और बेसिकली ये क्रायोजेनिक इंजन वगैरह में भी इसका यूज है वो किया जाता है ताकि टेम्परेचर को कम है वो रखा जा सके, तो ये कुछ इसके बारे में फैक्ट है। अब चलते हैं हम हमारी डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसके बारे में काफ़ी बॉडी सुर्खियों में रहती है, दिल्ली में पोल्यूशन है इसको लेके भी, और वैसे भी बॉडी हर साल या आप बोल सकते हो कि एनी टाइम न्यूज़ में ही रहती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत NGT का निर्माण है वो किया गया था। एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर डील है वो करती है, मतलब हमारे देश में इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी इश्यूज हो, जैसे कि यमुना रिवर के वो ऊपर कोई पेड़ पौधे काटे जा रहे थे तो अगर उनको बचाना हो या उनसे संबंधित कोई भी केस वगैरह हो तो उनसे डील है वो करती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऊपर जो बर्डन होता है उस बर्डन को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है वो रहती है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में क्या बात आती है कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो ऑब्वियसली हेल्दी इन्वायरमेंट क्यों होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट तभी तो होगा जब एक्चुअली पेड़ पौधे वगैरह ढंग से रहेंगे, और इसलिए NGT इसके लिए बखूबी से काम है वो करती है। बेसिकली एक तरीके से इसके पास क्वेश्चन जुडिशरी बॉडी है, मतलब इसके पास सिविल कोर्ट की तरह भी पावर होती है, किसी को बुला सकती है, समन वगैरह करने के काम है वो इसके द्वारा
किए जा सकते हैं। अब देखो अहम बात करें कि ये एक फैक्ट थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली देखो हमारे देश में जो भी कोर्ट हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर और भी जैसे कि लोअर कोर्ट वगैरह हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हो, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वो काम करते हैं कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, मतलब कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत वो काम करते हैं। और उसमें क्या प्रावधान है कि भाई किसी भी काम को प्रूफ देना चाहिए, सबूत के आधार पे एक्चुअली सजा डिसाइड है वो की जाती है। बट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बेसिकली नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम है वो करती है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, वो तो काम करती है कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम है वो करती है। इसके साथ ही जो एनजीटी है, इसके पास कोई भी केस फाइल किया जाता है तो 6 महीने के अंदर उस केस को लेकर डील है, वो भी जो भी इश्यूज हैं उनको निपटाया जा सकता है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन वगैरह ली जा सकती है। इसके साथ ही थोड़े इसके मेंबर वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एनजीटी का कंपोजिशन हम देखते हैं, एनजीटी में बेसिकली बात करें तो 20 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर तो होते हैं जुडिशियल मेंबर और 10 होते हैं एक्सपर्ट मेंबर। एक्सपर्ट मेंबर मतलब जो अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं इन्वायरमेंट को लेकर किसी भी इश्यूज वगैरह पे। अब जो जुडिशियल मेंबर होते हैं वो या तो एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान में कार्यरत हों, या फिर रिटायर्ड जज होने चाहिए, कहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि ओनली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। नहीं भाई, जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो जज, और इसी के साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के रिटायर्ड जज यहाँ पे काम है, और जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो जज बेसिकली इसके मेंबर हो सकते हैं। बात करें इसके चेयरमैन की, तो देखो इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन होते हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन और है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो कोई पर्टिकुलर केस को लेके, तो वो बेसिकली इसका एक तरीके से चेयरपर्सन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 तरह के चेयरपर्सन इसमें हो सकते हैं, एक कौन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और दूसरा कौन हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो कार एक्चुअली इसके जज है, सॉरी वो चेयर पर्सन है, वो बन सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो कि ऐसा केस आ गया उसको लेके, तो वो इसका तरीके से चेयर पर्सन है वो बन सकते हैं। बेसिकली जो चेयर पर्सन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसकी हेल्प से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके कंसल्ट के बाद ही उनको अपॉइंट है वो किया जाता है। तो ये इफेक्ट ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल आया है वो है स्पिनकर के बारे में, तो देखते हैं क्या है। देखो स्पिनकर का मतलब है स्पेकिंग न्यूट्रल नेटवर्क आर्किटेक्चर, बेसिकली एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि है क्या और किसके द्वारा बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो कि यूके बेस्ड है उसके द्वारा बनाया गया है। तो यूपीएससी इस नाम से पूछ सकती है डायरेक्टली कि स्पिनकर है क्या, तो हमें पता होना चाहिए कि एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है जो कि एक तरीके से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं उनकी स्टडी वगैरह करने के लिए बनाया गया है। अब देखो हम बात करें कि सबसे बड़ा कंप्यूटर है और काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह का यूज है वो क्या गया है, तो ये तो यूपीएससी नहीं पूछने वाली कि कितने अरब ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें यूज़ वगैरह किए गए हैं। एक तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी तरह ये काम है वो करने वाला है। अब इसका यूज क्या होगा, देखो इसका बेसिकली यूज ये किया जाएगा कि हमारे जो दिमाग की सेल होती हैं जिनको बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स बोलते हैं, देखो जैसे हमारे जो माइंड या दिमाग जिसे हम बोलते हैं उसकी जो सेल होती हैं इनको बेसिकली बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। तो वो उनका जो प्रिंसिपल है काम करने का वो थोड़ा अलग होता है, कैसे कि जो हमारे दिमाग की जो सेल होती हैं वो बेसिकली एक स्पेकल है वो एक तरीके से उत्सर्जित करती हैं, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि लाइट है वो उत्सर्जित करती हैं और उसके बेसिस पे हमारे शरीर दिमाग का काम है वो चलता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसके प्रिंसिपल पे काम होता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए कंप्यूटर काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो यूपीएससी एक तो इसके नाम से पूछ सकती है कि है क्या, क्या कोई जैसे कोई बहुत बड़ा हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, या फिर पूछ सकती है कि कोई सबमरीन वगैरह कुछ भी, तो हमें इसके बारे में ध्यान है वो रखना है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के द्वारा एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की स्टडी करने के लिए एक मशीन है वो बनेगी है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो नेवल एक्सरसाइज को लेकर आया है, समुद्र शक्ति। देखो समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के द्वारा की जाती है, तो यह हमें ध्यान में रखना है, अभी इसको लेके न्यूज है वो आई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है एम्बेसडर ऑफ कंसेंस अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एम्बेसडर ऑफ कंसेंस जो अवार्ड है उसको लेके न्यूज क्या आई है। देखो न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज बेसिकली ये आई है कि जो एम्बेसडर ऑफ कंसेंस जो अवार्ड है वो बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक एनजीओ है और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था पहले,
इसके द्वारा बेसिकली दिया गया था। तो ये फैक्ट थोड़ा हमें ध्यान में, जो यांग सांग सुकुई है बेसिकली, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ म्यांमार है, उनको बेसिकली अवार्ड है वो दिया गया था कुछ टाइम पहले ही। बट अभी कंटेक्स्ट यह है कि ये अवार्ड उनसे वापस छीन लिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली जो ये अवार्ड है इसलिए दिया जाता है कि कोई भी पर्सन जो कि मानवता के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो एक तरीके से, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। बट अभी न्यूज़ क्या थी, अभी कंटेक्स्ट ये था कि यानसान जो सुकुई है, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ म्यांमार है, उसने बेसिकली वहाँ पे जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं म्यांमार में, उनके खिलाफ जो मिलिट्री का एक तरीके से जो आप ये बोलते कि एक्सप्लोटेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एक तरीके से साइलेंट बन के रही। तो उनकी भूमिका ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के अगेंस्ट रही, इसलिए बेसिकली उनसे अवार्ड है वो छीना गया है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि एम्बेसडर ऑफ कॉन्सेंसस अवार्ड है वो किससे रिलेटेड है, किसको दिया गया था और किसे वापस छीना गया है और किसने इसको दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में थोड़ा हमें फैक्ट ध्यान में रखना है कि ये है क्या, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली, देखो गवर्नमेंट के द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो चले गए थे, तो उन सब को लेके एक अभी एक स्टडी की गई है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, इसके आर्टिकल भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने क्या है स्टडी की जिसका नाम है यंग इंडिया एंड वर्क लेके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन दोनों ने यंग इंडिया एंड वर्क नाम की एक स्टडी है वो की है। और इस स्टडी के तहत ये पता चला है कि हमारे देश के जो 70% यूथ हैं उनको तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं है, मतलब उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रोग्राम चला रखा है, उसका कैसे उनको नॉलेज है वो लेना है। इसके साथ ही थोड़ा और डाटा ये दिया गया है कि 26 से 30 साल की जो भी महिलाएं हैं उनमें भी लगभग 3/4 महिलाओं को तो सरकार के द्वारा जो अभियान चलाए गए हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो ये फैक्ट हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि वर्तमान की हालत क्या है, थोड़ा इसका हम यूज़ है वो कहीं कर सकते हैं। तो देखो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ये तो एक थिंक टैंक है, मैंने आपको बता दिया, बेसिकली स्टडी वगैरह उसके द्वारा की जाती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1971 में इसको बनाया गया था। ये हमें ध्यान में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। अब देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है कि हर साल जनवरी के एंड में देवोस में एक मीटिंग होती है जिसमें मेन मेन जो कंट्रीज हैं उनके प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें पार्टिसिपेट है वो करते हैं। तो उस दौरान उस सबमिट को लेकर काफ़ी न्यूज़ में रहता है और वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सबमिट भी होता है। हर साल जनवरी के एंड में बेसिकली वो सबमिट है वो आयोजित किया जाता है देवोस में। इसके लिए सबसे ज़्यादा सुर्खियों में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखो काम ये है कि सार्वजनिक और निजी जो कॉरपोरेशन है इसको सपोर्ट करने के लिए एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें होता क्या है कि जो अलग अलग कंट्रीज के जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं या फिर जो कोई एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, आपस में आके एक तरीके से आपस में डिस्कशन वगैरह की जाती है, एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिससे कि नॉलेज का एक्सचेंज वगैरह है वो होता है। और इसी के साथ ही इकोनॉमिक और जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन है, चर्चा है वो की जाती है। तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में ये तो थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।